Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, प्लीज विराजमान हो जाइए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे जितने भी दर्शक इस समय हमें टीवी पर देख रहे हैं, आप सबको आने वाली होली की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं, और आप सबको भी होली मुबारक। अर्चना जी, कहते हैं इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं बोलना पड़ जाता है। आप देखो, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से ऐसे सवाल पूछ लेते ना, क्या जवाब दे आदमी, क्या मम्मी मैं आपके घर में कैसे आया था? तो माँ फिर क्या समझाया उसको? बोलती, बेटे रात को एक परी आई थी, वो आपको मेरी गोदी में रख के चली गई। हालांकि माँ को तो पता होता है परी नहीं आई थी, बाप आया था शराब पी के। मतलब माओं को कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, पड़ता है। और उनके पास ट्रिक्स ऐसी होती है, बच्चों के मुंह से सच उगलवाने में भी बड़ी एक्सपर्ट होती है। अच्छा। बच्चा मान लो गिलास तोड़ देना, उसको बड़े प्यार से पूछती है, बेटा आपने तोड़ा है ना, मुझे सच बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। और बच्चा हाँ बोल दे तो माँ सच में कुछ नहीं बोलती, सीधा पीटती है फिर। और यही ट्रिक वो फिर हस्बैंड के साथ इस्तेमाल करती है कि तुम रात को कल कहाँ थे, देखो सच सच बता दो, कुछ नहीं बोलूंगी। हस्बैंड कहता है, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, नीचे से मुक्का बना रही है, मेरे को बोल रही कुछ कहूंगी नहीं। तो बाप में वो ट्रिक्स नहीं चलती। आदमी शादी में किसी और औरत को देख लेना और पत्नी उसे घूरता हुआ देख ले तो भड़क जाती है, क्या देख रहे हो? मतलब मैं क्यों, मैं क्या घूर रहा था, मैं तो उसकी साड़ी देख रहा था, सोच रहा था ऐसी साड़ी तुम्हें भी दिला दूं। भी फिर थोड़ी सॉफ्ट हो जाती। अच्छा, तुम्हें सिर्फ साड़ी दिख रही है, उसके गहने भी तो देखो। कहता है, फिर देखना ही उसका मुंह भी देखो फिर। उस हिसाब से तो फिर ऐसा सुना है हमने कि दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी ऐसा हुआ है जिसने हमेशा सच बोला है, और वो थे राजा हरिश्चंद्र। मुझे लगता है उसका भी एक कारण रहा होगा कि उनकी पत्नी ने कभी उनसे दो सवाल नहीं पूछे होंगे, एक तो ये कि मैं कैसी लग रही हूँ, और दूसरा ये कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो ये सवाल अगर मेरी बीवी पूछना बंद कर दे तो मैं भी सत्यवादी हूँ। अच्छा, मैं झूठ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल के रिलेशनशिप में ना थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है कभी कभी। हाँ। आटे में नमक जितना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ। और इसी सब्जेक्ट पे एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म आ रही है, तू झूठी मैं मक्कार, और आज उसी की स्टार कास्ट हमारे बीच मौजूद है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम द वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड मिस्टर रणबीर कपूर एंड माय ब्रो अनुभव सिंह बस्सी। मैंने सुना था ऐसे लड़कों की शादी के बाद शायद फीमेल फैन फॉलोइंग कम हो जाती, इस इंसान की बढ़ती जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, आपकी फिल्म की बहुत बहुत मुबारक आपको, होली की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आप सबको भी, और रणबीर की तो इतनी सारी बधाइयां पेंडिंग है ब्रो। सबसे पहले तो आपकी शादी के लिए आपको मुबारक, प्यारी सी बिटिया के लिए ढेर सारी मुबारक। जब पिछली बार रणबीर हमारे शो पे आए थे तब ये बैचलर थे, इस बार आए हैं तो शादीशुदा भी हैं, पापा भी बन चुके हैं और इतने हैंडसम लग रहे हैं। अर्चना जी कह रही थी, कहती यार मैं थोड़ा सा बुरा फील कर रही हूँ, मैं ना नहीं नहीं ये इसलिए बुरा फील कर रही थी, कहती मैं व्यस्तता के कारण रणबीर की शादी में नहीं जा पाई। अच्छा। ये आना चाह रही थी लेकिन आपने कार्ड नहीं भेजा तो फिर ये आ नहीं पाई। पर ऐसा है, ये किसी की शादी में जाए ना जाए वो उससे मतलब नहीं है, शगुन जो होता है इनका पर आपको देना ही पड़ता है। अच्छा, देना पड़ता है। हाँ, आपको देना ही पड़ेगा, आपकी शादी का अलग से, बिटिया का अलग से। मैं देख के आ जाऊं? ज्यादा को, हाँ, शगुन दे दीजिए प्लीज। ये तो उन्होंने आपको किस किया ना। हाँ? ये अगर आपको करती दाढ़ी खींच लेती है। तो वैसे ज्यादा शगुन इनका होता नहीं, चलो आपने तो बड़ा अच्छा शगुन दे दिया। रणबीर, आपकी फैमिली में आस पड़ोस में ऐसी आंटियां आती जो आके बेबी को देख के बोलती हैं ये किस पे गई है, आलिया पे गई, रणबीर पे गई, ऐसा होता है ना? पाजी, जब से राह पैदा हुई है आई थिंक आलिया के साइड से जो भी फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, मेरे साइड से फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक वो एटीट्यूड दे रहे एक दूसरे को कि नहीं नहीं ये हमारे फैमिली के जैसे दिखती है, हमारे फैमिली के जैसे दिखती है। बट आई थिंक हम खुद कंफ्यूज है क्योंकि कभी कभी उसका चेहरा मेरे जैसे दिखता है, कभी आलिया के जैसे दिखता है। बट अच्छी बात यह है कि हम दोनों के जैसे दिखता है, यही सबसे बड़ी बात है। रणबीर, सच्ची सच्ची बताना कितनी बार उठना पड़ता है क्योंकि अभी बहुत छोटी है राह। पाजी, आई थिंक जितनी बार भी आप उठो आपको लगता नहीं है कि आप उठ रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं यू वांट टू, यू नो, आप अगर आप साथ में भी सो रहे हो और एक हल्की सी आवाज़ भी आ जाए, चाहे आप कितनी भी खराटे मार रहे हो, आई थिंक आपके जो अंदर कुछ एक बात
कुछ तो है अंदर, क्यों ऑटोमेटिकली आप उड़ जाते हो. आई थिंक वो दिल से निकलती है वो बात, यू नो. सो आई डोंट थिंक ये कुछ एफर्ट है या आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो. आई थिंक ये बहुत खुशनसीबी है अगर आप कोई मौका मिले. हाउ स्वीट यार, रणबीर कितना बदल गया है. अच्छा अनुभव, बस्सी जब पिछली बार हमारे शो पे आए थे एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन आए थे, आज ये एज एन एक्टर आए हैं. Yes. आप मानते हैं हमारे शो पे आने के बाद बंदे की किस्मत बदल जाती है? मेरी किस्मत तो आपने स्टैंड अप शुरू कर दिया उससे ही बदल गई थी. तभी ब्रो आप कब कमा लो. तो कैसा फिर रणबीर पाजी के साथ मजा आया? बहुत ज्यादा सर. ये हंसाता था आपको सेट पे? बहुत फनी है. एक्चुअली पाजी जब मैं बस्सी से पहले पहली बार मिला तो मैंने इनके वीडियोस देखे नहीं थे. अच्छा. तो ये जब आया था मेरे घर आया था लव सर के साथ, तो बहुत एटीट्यूड के साथ आया था. अच्छा. यू नो कि मतलब ऐसे मुझे ऐसे देख रहा था, ऐसे मेरे पे कोई जोक्स मार रहा था, तो मैं लव को पूछ रहा हूँ तो ये तू किसको उठा के लाया है, यू नो. ये एक्टिंग वेटिंग कर लेगा. बट आई थिंक हमारी दोस्ती बहुत जल्दी होगी. आई थिंक ये बहुत, इसका दिल जो है वो बहुत साफ है. मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल हु गॉट टू नो अबाउट राहा के, यू नो, वी आर प्रेगनेंट. एंड ना इन्होंने राह के लिए शॉपिंग की है, मेरी मम्मी ने भी इतनी शॉपिंग नहीं की है. अच्छा. हर स्नीकर टोपी सब लाया है. दिल का बहुत अच्छा है और इतना टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड है. बिकॉज आई थिंक इसको मिलने के बाद मुझे जो स्टैंड अप कॉमेडी की जो एक कला होती है वो और समझ में आई. यू नो इट्स सो मच अबाउट द राइटिंग. आपका जो नज़रिया है दुनिया का, इट्स ऑल ट्रूथ. सो आप ट्रूथ को कैसे फनी तरीके से प्रस्तुत करते हो, आई थिंक ही डज दैट वेरी वेल. क्या बात. थैंक यू. मेरे ख्याल से 2.5 साल में पहली बार उन्होंने प्रस्तुत बोला है. और जो शॉपिंग वाली बात थी वो सर उसका मतलब ऑब्वियसली राहा से प्यार वाली बात तो ठीक है, भाई के प्यार था. जब पहले दिन में जा रहा था तो मैंने मुझे मेरे तो को बच्चा है, मुझे थोड़ी ना पता शॉपिंग कैसे करनी बच्चों की. कोई आईडी नहीं. डॉल्स की एक शॉप थी, मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया. मैं बाहर से चूज कर रहा हूँ, मुझे हो गया लगभग 15 मिनट खड़े हुए. तो अंदर से उसकी ओनर ऐसे आई कि कौन 15 मिनट से गुड़िया घूर रहा है. सॉरी सॉरी में चला जाता. मैंने कहा जूते खरीदते थे, यही खरीदने आते. तो फिर स्नीकर्स खरीदे मैंने बहुत सारे. फिर तब से तक मैंने 6 साल का तो कोटा कर दिया. वाह वेरी नाइस. अच्छा बस्सी, जैसे मेरी शादी होगी, बस्सी मेरा बड़ा प्यारा भाई है, मेरी शादी होगी, मेरे दो बच्चे हैं, रणबीर की शादी होगी, उनके बिटिया हुई है, कैसा लग रहा है आपको अपने दोस्तों के बीच बीच छड़ा जेठ बन के घूमते हो आप? आपको आपके दोस्तों की बीवियाँ नहीं कहती हैं कि बस्सी कर लो शादी, बस कर बस्सी? अभी नहीं सोच सकता. ये देखो आप लोगों ने आराम से सेटल होके करा है ना. हाँ. तो मैं नहीं, सच्ची में आपका शादी में इंटरेस्ट नहीं है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है? क्या पक्का प्रॉब्लम क्या है? मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि आदमी को बहुत कुछ पता है मेरे पास. मेरे अभी शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं. पर ना मैं आपको एक बात बताऊं जो मैंने ऑब्जर्व किया है. जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे बाकी दोस्त जो शादीशुदा हो चुके थे है ना, जैसे उनमें से एक ही बैठा हुआ डिंगरा, जिन दोस्तों की शादी नहीं हुई थी ना, वो दोस्त बड़े बुरे लगते हैं दोस्तों की बीवियों को. वो आप अगर साथ में बैठे पार्टी करो तो वो आपके कान में आग बैठी, इसका तो कोई पूछने वाला है नहीं. तुम तो उठो चल के, इसका तो कोई मुंह सूंघने वाला है नहीं, ना बीवी ना बच्चे. चलो ये तो टेबल पे सो जाएगा, तुम तो उठो. तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है. अच्छा शादीशुदा आदमी को जो बीवियां होती हैं वो भेजती भी शादीशुदा दोस्त के साथ ही हैं, ताकि ये दोनों दोस्त जा रहे हैं उसकी और मैं बीवी हम आपस में बात करेंगे कि फर्स्ट हाफ तक तू फोन करके पूछती रहना, सेकंड हाफ तक मैं करती रहूंगी. ये बड़ी प्रॉब्लम है. रणबीर ऐसा कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि मियां बीवी के रिश्ते में शांति बनी रहे थोड़ा बहुत हस्बैंड को झूठ बोलना पड़ता है. थोड़ा तो आपकी थोड़ा. तो आपको कभी नौबत आई है ऐसी? आई थिंक व्हाइट लाइज इज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. कभी कभी हम एक झूठ बोल देते हैं बट इट्स फॉर द अदर पर्सन्स बेटरमेंट, सामने वाला हर्ट. हाँ. लेकिन ऐसा अभी मैंने कुछ गलत या कॉन्ट्रोवर्शियल किया नहीं है बहुत सालों से कि मैं ऐसा झूठ बोलूं या कुछ छुपाऊं. अच्छा. मेरा कहना का यह मतलब है कि मैं आजकल बहुत पत्नी व्रता इंसान बन चुका हूँ. क्या बात. So proud of you, bro. अच्छा रणबीर के ऑपोजिट इस फिल्म में झूठी में मकार में श्रद्धा है और ये श्रद्धा को छोड़ के बस्सी को लेके घूम रहे हैं. तो आपकी श्रद्धा के साथ केमिस्ट्री नहीं बन रही या इनके साथ दाढ़ी ज्यादा अच्छी मिल गई है? मुझे इतना लगाव हो गया कि मैंने अपना हुलिया बदल दिया इसके जैसे दिखने के. दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो सीरियसली. आप दाढ़ी का कोलैबोरेशन कर लेना, एक कंबल बना सकते हो. देखो पाजी मेरा ये मानना है कि लड़कों को लड़के ही समझ सकते हैं, यू नो, ये हम सब जानते true, हैं. True, because लड़कियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उनका उनको समझना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. हाँ. मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई लड़के का कोई दिल टूटता है तो उनका टोन निकल आता है, दाढ़ी बढ़ा देता है. लेकिन जब लड़की का दिल टूटता है तो फिर क्या होता है, वो मतलब एक बार उनका अपर लिप और आईब्रो सेट हो जाए तो बहुत जल्दी कोई और सेट हो जाएगा. सिंपल सी बात है. तो मैं अभी इस फिल्म को लेकर ना मैं लड़कियों से थोड़ा
दूर रहना चाहो। ये बड़ी बारीक ऑब्जर्वेशन है। एक्चुअली लड़के ना बड़े देवदास बन जाते हैं। लड़के मजा ले एक ही दिन बिना मेकअप के आ जाए, रोएंगे भी तो पूरा लगा के। अरे वो आंसू यहीं रोक देती हैं कि इससे नीचे आया ना जाइए। हाँ, बस ये आप इनके दोस्त बने हैं रणबीर के फिल्म में, और आप बीच बीच में अपना ज्ञान बांट रहे हैं, जो दोस्त होने के नाते अपना फर्ज निभा रहे हैं। आपकी कोई विशेष टिप्पणी लड़कियों के बारे में? सर ज्यादा औकात तो नहीं मेरी फालतू बोलने की, पर मेरा बस छोटा सा पॉइंट है कि थोड़ी सॉर्टेड हो सकती है लड़कियाँ एज कम्पेयर टू बॉयज, स्पेशली शॉपिंग को लेकर सॉर्टेड बोल रहा था, क्योंकि लड़कों का बहुत सिंपल है, हम शॉपिंग करने गए, हम अगर रेजर खरीदने गए तो रेजर ही लेकर आएंगे, हो सकता है ब्लेड भी ना लाए। सही है, हम कई बार तो पैसे ही उतने लेके निकलते हैं, कुछ और चीज खरीद ही नहीं सकते, मन कर भी जाते हैं। और ये एक चीज अगर लिपस्टिक लेने गई तो बाकी सारी ले आएंगी, वो भूल जाएंगी ताकि अगले दिन वो दोबारा लेने जाना पड़े। तो थोड़ा शॉपिंग में सॉर्ट हो सकते हैं, बाकी तो तुम बेटर हो ही, हम क्या कर सकते हैं। रणबीर, जो आपने ट्रेलर में झूठ के ऊपर मोनोलॉग बोला है, वो मतलब इतना लंबा भी है और एकदम से आदमी ध्यान से सुने समझ में नहीं आता कभी कभी। बिल्कुल। और आपको एक ही बार में याद हो गया था वो कि नहीं, नहीं, पाजी बिल्कुल नहीं। और ये हमारे निर्देशक लव रंजन बहुत ही मतलब क्या बोलूं उनके बारे में, डरावनी किस्म के डायरेक्टर है, क्योंकि हमें जो सीन मिलता था वो सीन के 4 घंटे पहले मिलता था। अच्छा। और जैसे वो लिखते हैं, वो ऐसे 5-5 पेज के मोनोलॉग्स लिखते हैं, जैसे आपने उनकी पहली फिल्मों में भी देखा है। राइट। और उनकी जो डायलॉग राइटिंग है उसमें बहुत म्यूजिकलिटी है, रिदम है, टोन है। अच्छा। तो और उन्हें ये भी पसंद नहीं है कि आप डायलॉग के बीच में सांस लो या ब्लिंक करो। अच्छा। तो ऐसा मतलब नॉर्मल सीन में भी ऐसा लगता है कि हम एक्शन सीन है ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होता था ये सब करना। अभी आपको याद है? थोड़ा बहुत याद है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। जी प्लीज हो जाए एक बार। झूठ बोलकर पकड़वाना नहीं है, बल्कि झूठ बोलकर सच में छुपाना है, फिर दो और झूठों में छुपाना है, फिर सच में छुपा के उस सच में झूठ की मिलावट का हल्का सा हिंट देना है। वो लड़की है, बाकी वो खुद कर लेगी, तुझे बस हल्का सा शक कराना है। ये जो हम बता रहे हैं इस फिल्म के जरिए, मेरा ये मानना नहीं है, आई थिंक वीमेन आर द बेस्ट स्पीशीज इन द वर्ल्ड, आई डोंट थिंक दे आर लायर्स, आई थिंक हम ही लायर्स हैं, हम ही मकार है, उनकी तो पूजा करनी चाहिए। दे आर द हायर बीइंग्स, यू नो। तो इसमें मैंने बहुत एक्टिंग की है, क्योंकि आई डोंट बिलीव इट। वेरी नाइस, है ना। मैं रणबीर की फिल्म देखने के लिए एक बार झूठ बोला था, मैं एम्स्टर्डम में था तो इनकी फिल्म संजू रिलीज हुई। अच्छा, मुझे नहीं पता था वहाँ के सिनेमा हॉल में क्या होता है। हम लोग 10 मिनट लेट पहुंचे, सिटी से बाहर सिनेमा था, तो वो चले गए भाई, वो घुसने नहीं हमें। क्यों? बोलते हैं फिल्म शुरू हो चुकी है। तो मैंने गूगल किया, मेरी और रणबीर की फोटो थी साथ में अपने शो की। मैंने कहा सी आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म। उन्होंने देखा, बोलता है ओके, बट वो पीछे गया टॉर्च लेके, उसने ऐसे बोला धीरे धीरे आओ, हम ऐसे ऐसे गए और जाके बैठ के देखा। और क्या परफॉर्मेंस दी थी आपने ब्रह्मास्त्र के लिए, ढेर सारी मुबारक भाई, बहुत कमाल। आइए विराजमान हो जाइए यहाँ पे, जोरदार तालियां बस्सी और रणबीर भाई के लिए। अच्छा, आप लोगों की ऑब्जर्वेशन अगर अच्छी हो तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, ये जवानी है दीवानी में रणबीर जो है बर्फ के ऊपर रोमांस कर रहे थे, वेकअप सिद में ये बीच पे रोमांस कर रहे हैं, अनजाना अनजानी में ये बोट पे रोमांस कर रहे हैं, बचना है सीनों में ये लिफ्ट में रोमांस कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र में जो अपनी धर्म पत्नी आलिया जी के साथ रोमांस करने के बारे, ये मंदिर में जाके माथा टेकने जाते हैं। आप ये मानते हैं शादी होने के बाद आदमी धार्मिक हो जाता है ज्यादा? बिल्कुल नहीं, वैसे मैं घर पे रोमांस कर रहा हूँ ना, मैं पर्दे के ऊपर नहीं रोमांस कर रहा हूँ, तो जब बीवी के साथ ज्यादातर घर पे रोमांस होता है। ज्यादातर अच्छा, बस्सी को हमने हमेशा स्टैंड अप करते हुए देखा, पहली बार आप लोग इनको बैठ के एक्टिंग करते हुए देखेंगे। बस ये ऐसा कभी हुआ है कि आप बैठे बैठे डायलॉग बोल रहे थे और आपका उठने का मन हो, या कभी आपको लगा लाइन तो बोल दी, तालियां क्यों नहीं आई सामने से, या एक्टिंग करते करते मन में खड़े रहते थे आप? नहीं सर, मैं तो देखो वो जो सेम डायलॉग वाली बात थी, वो डायलॉग याद करने किसी और के लिखे हुए मैंने बोले नहीं कभी, तो खुद का तो बीच में से थोड़ा सा चेंज भी कर दो तो क्या फर्क पड़ जाता है। और लव सर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, वो एक कॉमा भी उन्हें चाहिए कि यहाँ पे ना, जैसे कॉमा जितनी देर का होता है उतनी देर रुको। अच्छा। और ऐसा वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस इंसान से करो तो समझ में आता है। तो मैंने कई बार ऐसे में सोचता था, मैंने कहा सर यही कर देता ना, थोड़ा और बेटर लग रहा है, तो वो बोलते थे मुझे सिखा रहे, मैं कहा नहीं नहीं, मैं याद यही हो गया है मुझे। एक जगह पे मेरा डायलॉग नहीं था, मेरा एक्सप्रेशन था जो स्क्रिप्ट में लिखा था। मुझे नहीं समझ में आया क्या है। भाई ने डायलॉग बोला अपना, तो लव सर मेरे पास आए, बोले तुझे ऐसा एक्सप्रेशन देना है जैसे तेरे दोस्त ने कोई घटिया बात की है। तो मैं कहा इसका क्या एक्सप्रेशन होता है? तो भाई से मैंने बोला क्या करूं, तो इन्होंने ऐसे आईब्रो हिलाई, कुछ तो करा। मैंने कहा आप ही कर सकते हो, हमें थोड़ी ना आता। फिर लव सर ने बोला कि तेरा दोस्त की घटिया हरकत कर रहा है, कैसे करेगा? मैं बोल दूंगा दोस्त को कि घटिया हरकत है।
मैं एक्सप्रेस थोड़ी ना करूंगा ऐसे बैठ के मुझे नहीं आता ऐसा। फिर मैंने भी बहुत ही बुरा एक्सप्रेशन दिया, फिर लसर बोले मैं कोई डायलॉग देता हूँ। बट हो गया फिर धीरे धीरे। लिटरली भाई ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे मैक्सिमम डायलॉग ही नहीं आते, तो इन्होंने मुझे बताते रहे ऐसे कर अब ये कर अब ये कर, तो हो गया। जब जैसा भी हो तो आप लोग देखोगे मुझे क्या, मैं तो वापस चला जाऊंगा माइक लेके। बट इससे पहले कभी एक्टिंग की नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं किया। तो बहुत नेचुरल लग रहे बस ये आप। मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैंने बस लव सर से एक लाइन बोली थी कि मेरा स्टैंड अप बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ खराब काम मत कराना। मेरी और एक दुकान खोलने के चक्कर में बंद हो जाए। और शुरू में तो बहुत फनी होता था, बोल रहे कि मार्क पे जाके खड़े हो जाओ और डायलॉग बोलो। हाँ। तो मैं मार्क पे जा रहा हूँ, नीचे देखता हुआ। कि जिन्हें नहीं पता है मार्क इतना सा टेप होता है। हाँ। ठीक है, अब मैं बस जा, वो जमीन पे लगा हुआ है, कैमरा उसके हिसाब से लगा हुआ है, तो हमारा तो स्टेज पे कहीं भी चले जाओ जहाँ पे मन में। हाँ। और मैं जा रहा हूँ, मैंने मार्क ढूंढ रहा हूँ, तो लव सर कह रहा हूँ ऊपर देखता हुआ। मैंने कहा फिर मार्क कैसे देखूंगा अगर ऊपर। फिर उन्होंने बोले कदम गिन ले, तो मैंने 9 कदम गिने। अब जब मैं जा रहा हूँ, मैं 9 बोला तो मैं डायलॉग भूल गया, क्योंकि मैं कदम गिनता हूँ। रणबीर, आपके साथ जैसे आपकी फिल्म में है कि आप लड़का लड़की एक दूसरे के साथ बड़ा झूठ बोल रहे हो, रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कॉलेज स्कूल कभी भी कि कभी आपने झूठ बोला हो, शरेआम ही फंस गए हो आप? एक्चुअली बचपन से ही मैं बहुत बड़ा झूठा रहा हूँ। लेकिन मुझे याद है, झूठ नहीं था, लेकिन क्लास चल रही थी एंड हमारे स्कूल में कुछ 40-50 बच्चे होते थे एक क्लास में, और एक ऐसा पीरियड चल रहा था जो बहुत बोरिंग पीरियड था, तो मैं हमेशा लास्ट बेंच पर बैठा करता था। एंड क्योंकि आई वॉज अ नॉटी किड, तो मैंने ऐसे, अगर ये क्लासरूम है और वहाँ टीचर है, मैं ऐसे अपने चारों ऐसे यहाँ ओके, मैं ऐसे क्लास के बाहर स्नीक कर रहा था। तो जैसे मैं स्नीक कर रहा था और मैंने यहाँ ऐसे ऊपर देखा, मेरा प्रिंसिपल ऐसे खड़ा था। और हमारे स्कूल में हमारी बहुत पिटाई होती थी। अच्छा। ऐसा नहीं कि आजकल तो आप किसी को गुस्सा भी नहीं कर सकते। हाँ। तो इस इंसान ने मेरे कान से मुझे ऐसा पकड़ा। हाँ। और एक कॉरिडोर होता था। हाँ। उसने ऐसे झापड़ मार के मुझे यहाँ लेकर गया, फिर ऐसे मेरा बाल पकड़ा, फिर इधर ऐसे मुझे टर्न किया, फिर वापस ले आया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे ऐसे बाहर, मतलब क्या ये क्या हरकत क्या थी? बोले थप्पड़ मारने से पहले पूछना। मेरे आप पता एक्सरसाइज होती मेरी मेरी फ्रेंड की चश्मे बाहर गिर गए थे, मैं वो उठाने जा रहा था। वो थप्पड़ की गूंज मुझे अभी तक याद है, अभी तक गई नहीं है। तो ये अच्छे स्कूल से ना, कितने अच्छे से, कितना स्वीट सा झूठ था ये चश्मा। हमारे यहाँ के लड़के लड़की उसे बात करने के लिए बोले मेरे दिल में छेद है। दिल में छेद है। जैसे अभी आपने रणबीर की शरारत सुनी। हाँ। ये दयावान भी बहुत है। अच्छा, वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। पिछले सीजन में नीतू मैम हमारे शो पे आई थी, आपके बारे में एक बड़ी अच्छी बात बता के गई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। हमने ना एक और खबर सुनी थी रिधिमा, कि जब आप लंदन में पढ़ाई कर रही थी तो रणबीर ने मौके का फायदा उठा के आपकी काफी सारी चीजें उठा के अपने गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट कर देता था। तो आप हमें बता सकती हैं टोटल आपकी कितनी चीजें मिसिंग थी, ताकि हम आइडिया लगा सके? नहीं, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। मैं लंदन में थी, मैं वापस आई हॉलिडे के टाइम, और मैं बैठी हूँ और उसकी एक गर्लफ्रेंड घर पे आई और एक टॉप पहने। मैंने बोला ये टॉप बहुत फैमिलियर है, मैंने देखा, लेकिन मैं उसको सिर्फ उसकी शक्ल नहीं देख रही, मैं सिर्फ उसकी वो देख रही हूँ। मुझे टॉप ये टॉप नहीं मिल रहा था मुझे कंफर्ट से। तो बाद में पता चला कि वो मेरी चीजें निकाल के उसको देता था, यू नो। आप कुछ सफाई देना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, हम सब करते, आपने भी किया होगा अगर आपकी बहन। मैं तो मम्मी की चीजें भी चोरी करता था। ये लो आपके लिए लाया हूँ। हम गिफ्ट विफ्ट नहीं करते थे, हम भाई बहनों के आपस में हम कपड़े पहन लेते थे बचपन में, फ्रॉक व्रॉक भी पहन लेते थे। वो पहनाए जाते थे कि पता नहीं चला था बहुत सारा, तो वो क्या रहा हमारे साथ। जैसे मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ ना, तो अभी उस समय इतने मोबाइल वाइल थे नहीं, तो मेरी मामी को किसी ने बोला कि बेटी हुई है, हुआ था बेटा, उन्होंने फ्रॉक भेज दी, तो मेरी माँ ने भी कहा अब आ गई है तो पहन लो, 3 साल फ्रॉक ही पहनता रहा। आपको पता है ये वाला जो आपका किस्सा जब सुना ना, कि गर्लफ्रेंड को उठा के चीजें, ये पांडे हमारा ड्रम वाला, इसने फॉलो करना शुरू कर दिया आपको, कि रणबीर अगर गिफ्ट कर सकता है अपनी बहन की चीजें उठा के गर्लफ्रेंड को, इसकी बीवी ने एक बार प्लाजो मांगा, इसने दादा का पजामा दे दिया। उसके बाद इसका दादा गया इसकी बीवी के पास, कहता बेटी हमेशा प्लाजो ही पहनना, कहीं साड़ी की डिमांड करोगी तो मैं धोती से भी जाऊंगा। हेलो सुमोना। शर्मा जी, होली पार्टी के 2 टिकट्स लाई हूँ। वाह वाह, दो मेरे को, मैं रणबीर को ले जाऊंगा।
लगा हम दोनों जाएंगे। रणबीर देख अपनी हिरण के साथ घूम रहा है, वो हिरण है फिर भी नहीं घूम रहा, तू तो हिरण भी नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा तुम्हारे साथ? देखो फिल्मों के बारे में मुझे मत बोलो, सालों साल पहले ना मैं रणबीर के साथ बर्फी कर चुकी हूँ। हाँ अगर आपने बर्फी ध्यान से देखी हो ना, बर्फी के ऊपर जो मक्खी थी वो इन्होंने नहीं बनाया। अकेले जाओ जिधर जाना है तुमको। मैं अकेले कैसे चली जाऊँ, पता है बाहर लड़के हैं जो खूबसूरत लड़कियों को ढूंढते रंग लगाने के बहाने। तुम्हें क्या टेंशन? ये ना आप दोनों बैठे हैं ना इसलिए आपके सामने बातें बना रहा है, वरना कॉलेज में एक लड़की ने मुझे रंग लगा दिया था तब बड़ा कबीर सिंह बन गया था, ए, किसने रंग लगाया, मेरी बंदी है। मेरी बंदी मैंने इसलिए बोला, बोलना पड़ता था उस समय बंदा लगती थी। कैसा हस्बैंड है मेरा, देख रहे हैं बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मार्केट में जाके पूछोगे ना भारत का राष्ट्रीय रोमांटिक पक्षी कौन सा है, मेरा नाम लेंगे वो। ऐसा रोमांटिक पक्षी व्हाटएवर, इसको हर बात पे प्रॉब्लम है अर्चना मैम, हर बात पे। परसों हम मेरी कजिन की शादी पे गए, चिढ़ गया वहाँ पे, रायता नहीं मिला तो मुंह फुला लिया इसने। अच्छा शादी में जब सिर्फ रायता हो वो भी ना मिले तो चिढ़ेगा नहीं आदमी? आई बड़ी, पहली शादी मैंने देखी जिसमें दूल्हा घर से टिफिन लेके आया था, ऐसी शादियां होती इनकी। कुछ भी बात मत बनाओ अब। कुछ भी हो रहा था, वाकई कुछ भी हो रहा था, इन्होंने चौराहे पे शादी रखी ताकि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाए और इनका वीडियो खर्चा बचे। कैसे काम करते तुम लोग? इसकी कजिन की शादी में गए, चकना खत्म हो गया, घोड़ी का चना छीन छीन के खाया इन लोगों ने। तो सोचो हम कितने एनिमल लवर हैं, घोड़ी को भी चना खिलाते हैं, इन लोगों को चना ना खिलाना पड़े, घोड़ी पोपली ले आए बिना दांतों वाली। मैंने देखा है पोपली घोड़ी, मैंने पहली बार देखी है, चलते चलते धुआं छोड़ रही थी। जा यार। बिंदु बिंदु दामाद जी, वो हमारे घर आने वाले थे ना, तू झूठी में मक्कार वाले। हाँ। तो मक्कार मक्कार बैठे हैं, झूठी कहाँ है? मम्मी झूठी और मक्कार को एक साथ देखने के लिए आप पापा के साथ थिएटर में जाओ। ना ना थिएटर में अंधेरा होता है, वहाँ पर्स मार लेते हैं। पर्स अरे मार तो लेते। किसकी मजाल तुम्हारा पर्स मारे? अरे तेरे पापा की बात कर रही हूँ, अंधेरा होते ही उन्हें पर्स मारने की आदत है। तुम्हारी फालतू बातें खत्म हो गई कि ये क्या लेके घूम रही हो तुम? ये अरे ये तो मैं लाई हूँ नए नए पापा के लिए। ये लो रणबीर बेटा। जीते रहो जीते रहो, खुश रहो, ये नए नए पापा बने हैं ना इसलिए। अरे बैठो बैठो। मैं तो सांवरिया फिल्म में ही इनका तौलिये में देख के ना समझ गई थी कि ये ना इनका तौलिये में देख के नहीं, इनको तौलिये में देख के। अरे वही यार, दोबारा नहीं, सॉरी अच्छा नहीं। अरे मैं तो इन्हें सांवरिया फिल्म में ही तौलिये में देख के समझ गई थी क्या? कि एक ना एक दिन ये पापा जरूर बनेंगे। हाँ। कैसे कैसे? इतने टैलेंटेड हैं। टैलेंट का मतलब पापा बनने से क्या लेना देना? क्यों तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए, तुम क्यों ना पापा बन जाते, तू बता मुझे। हाँ एक सेकंड मम्मी, 2 साल हो 5 साल हो जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाती मैं बच्चा नहीं करूंगी, इट्स माय डिसीजन। अरे तो तू कभी बच्चा ना करेगी? क्या देख रहे हो रणवीर, एक ये है और एक मैं थी, मेरी सास ने मुझसे कहा था बहू गुड न्यूज कब सुनाएगी, और मैंने इतनी गुड न्यूज सुनाई, इतनी गुड न्यूज सुनाई, आसपास के गांव में गुड न्यूज हो क्या ब्रेकिंग न्यूज हो गई। क्या हो गया? नहीं समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? अच्छा ध्यान अच्छा, आपका अभी अच्छा। भी तौलिए में है। नहीं अरे नहीं यार, शेर की बात कर रहे हो यार, नहीं कपिल कुछ भी अभी। मुझे तो पूरा भरोसा है रणबीर कि ये लोग तो मुझे नानी बनाएंगे ही ना, तो तुम ही मुझे ले चलो अपनी बच्ची के लिए नैनी रख लो। okay. बच्चे पालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो ये क्यों ना ठीक से पाली आपने? Excuse me. प्रॉब्लम क्या है? अरे इससे क्या पूछ रही है, क्या कमी है? हर हफ्ते तो बताते रहते तेरे में कमी है, तेरे को याद नहीं होता लिख के रख ले। हाँ क्या कमी है, क्या कमी है, ये बात इसकी है। खैर
इसकी छोड़ो रणवीर, मैं ये कहना चाह रही थी मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा है, आहा इतना अच्छा, क्या बताऊं, बहुत पसंद आया मुझे। पसंद तो आएगा आपके ऊपर जो है, आप झूठी हैं, आपके पति मक्कार, तो आपको तो अच्छा लगेगा ही। अरे दामा जी, झूठी कह के आपने मुझे श्रद्धा कपूर से कंपेयर कर दिया। अरे बट इसमें रोने की क्या बात है, तुझे पता नहीं है क्या, शक्ति कपूर मेरे क्रश है। खैर जाने दो, होली का मौका है, फू गुस्सा थूक देती हूँ। दामाद जी होली के मौके पे तो दुश्मन भी दुश्मनी भुला के दोस्त बन जाते हैं, आओ गले लग जाओ। खबरदार मेरे गले लगे दो, दुश्मन हो गए 2 साल से मेरे घर पे रुके हुए हो, दोस्त बन के तो पता नहीं मेरी जैकेट में घुस जाओ तो तुम लोग। ऐसा है, हमें भी कोई शौक नहीं आपके कमरे में सोने का, वो तो मजबूरी है। क्या मजबूरी आपकी? अरे आपके कमरे में एसी है और इसके पापा को एसी के बगैर नींद ना आती। हाँ, पापा को एसी के बिना नींद नहीं आती, इनको पापा के बिना नींद नहीं आती, ये दोनों साथ में हो हमें नींद नहीं आती, दूसरा बच्चा ना पैदा कर दे। हो गया ये, इस एक एसी के चक्कर में सुन ली बातें तुमने, तो तुझे क्या फर्क पड़ रहा है, तूने भी तो एसी का नाम यहीं आके सुना है, तू तो बाल्टी में सोती थी, भूल गई। अपना सामान पैक कर, तुम वापस गाँव जाओ। देखो क्या कह रही है, अरे इतने टाइम से दामाद जी कह रहे हैं हमारे कान पे जूना रह की, तू किस खेत की मूली है, हम ना जा रहे कहीं। तुम अंदर, शर्मा जी ठीक है ठीक है, मैं अंदर चल के इसे बात कर लेती हूँ, वरना बस्सी के सामने इसकी लस्सी हो जाएगी खामा खाम। अच्छा जी, नमस्ते 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 जी। अच्छा होली आने वाली है रणबीर, सारी दुनिया जानती है आरके स्टूडियोस की जो होली होती थी जी। उसके जैसी होली बोलते हैं कि ना कभी पहले हुई ना कभी होगी, आपको कोई मजेदार किस्सा याद है? मुझे तो बहुत डर लगता था पाजी, क्योंकि जब भी कोई आरके स्टूडियोस में कोई एंटर होता था वो फट से ये सब मतलब रंग बिरंगे आदमी आते थे, आपको उठा के वो टंकी में फेंक देते थे। अच्छा, तो मेरे लिए तो एक नाइटमेयर होता था कि यार मुझे पानी में नहीं जाना। बट उसी दौरान मैंने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री के सब एक्टर्स एक्ट्रेसेस डायरेक्टर्स म्यूजिशियंस सब होते थे, और उतना अपनापन शायद अभी नहीं रहा इस फिल्म इंडस्ट्री में, जहां सब आके एक यू नो त्योहार के वक्त या किसी के फिल्म रिलीज के वक्त एक दूसरे को सेलिब्रेट करते थे एक्चुअली। तो आई थिंक आजकल वो जमाना नहीं रहा, एंड वी रियली मिस दैट टाइम यू नो टू वेयर यू गेट दैट सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी फ्रॉम योर इंडस्ट्री। एक्चुअली बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। अच्छा ये सवाल मेरा आप दोनों से है, होली के नाम पे ना बड़े लोग होते हैं ठंडाई के नाम पे कुछ मिक्स करके पिला देते हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मैं तो खुद मिक्स करता हूँ। मैं भी यही बोल रहा था कि कोई क्या पिला देता है। मेरे साथ ऐसा बचपन में हुआ था भाई, हम लोग पी के आए, लंगर लगा हुआ था उसका महाशिवरात्रि के मौके पे, तो वहां तक तो ठीक था, वो चढ़ती शायद बड़ी देर बाद है, बहुत देर बाद है ना, तो मैं और मेरा भाई दोनों थक बहुत गए थे, हमने रिक्शा किया, हाथ रिक्शा होता ना, तो हमने किया रिक्शा पे चलते हैं, रिक्शा में पता नहीं हवा लग गई क्या, जैसे ही घर पहुंचे ना भाई इतनी सी नाली सी वही ना टापे मेरा भाई, रो ही जाए उसको देख के, वो दिन और आज का दिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। हाँ। पर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हमने लखनऊ में हॉस्टल लखनऊ में कॉलेज में थे, तो वहाँ पे चौक है एक एरिया वहाँ पे मिलता है, तो सीनियर्स ने बोला था कि जाना पी के आना, अब पहुंच गए ले लिया ग्लास, किसी को नहीं पता कितनी पीनी होती है, किसी को पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, उसका 36 भी नहीं होता, कुछ नहीं था, वो ग्लास दिया उसने, हमने पी लिया, हमने कहा ठीक लग रहा है, और फिर उसके बाद 5 मिनट बाद ऐसा लगता है ना कि हुआ क्यों नहीं। हाँ। तो एक और पी लिया। ओह। फिर एक और पी लिया, जो हाँ। जिसने जिसको जितना पिया पी लिया, हम वहां से वापस निकले, हम अपने हॉस्टल पहुंचे, हमें ये याद है हम 10-12 लड़के क्रिकेट खेले बिना बैट बॉल के। हमने रन भी लिए, हमने गिने भी है। हाँ। हमने टॉस भी किया है बिना उसके। सब किया हमने, लेकिन हमें अगले दिन पता चला सब कुछ। होश में रह के होली मनाए, इस होली पे ठंडाई बिल्कुल ना पी, हम बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे, शाम को पिक्चर देखने आप सबको जाके, ठीक है? हाँ। अगले साल तो देख लेते। अच्छा आजकल के जमाने में ना बड़े कम लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है, और फिल्म स्टार्स तो शायद ही कोई ऐसा हो, करीना थी वो भी इंस्टाग्राम पे आ गई है, और रणबीर है जो ये अभी तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो रणबीर आपको हमने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा नहीं है, पहले तो उसका कारण बताएं क्यों नहीं है आपके फैंस। मेरे को याद है ऋषि सर के ट्विटर अकाउंट पे एक बार किसी ने ट्वीट किया। हाँ। कि सर रणबीर को मेरा हेलो बोलना, तो ऋषि सर ने लिखा मैं क्या उसका लेटर बॉक्स हूं। आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं रणबीर? सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात यह है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है बहुत बोरिंग पर्सनैलिटी है, और
सोशल मीडिया पे आपको एक एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी, एक अलग एक किरदार निभाना पड़ता है लोगों को एंटरटेन करने का, और मुझे ये एक्स्ट्रा काम नहीं चाहिए लाइफ में. मैं बहुत खुश हूँ. बहुत खुश हूँ भाई. रील में नाचना पड़ता है भाई. रील्स में फिर नाचना पड़ता है. करेक्ट. तो मैं, मेरा फेक अकाउंट है. मैं सब मेरे फेवरेट जो लोग हैं, यू नो, फुटबॉल, मैं आपको भी फॉलो करता हूँ, बसी को भी फॉलो करता हूँ. मैं ट्रोल बहुत करता हूँ, तो फेक अकाउंट के नाम से कमेंट्स नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ. ये सुबह आके मुझसे ज्यादा ही नहीं पता होता था इंस्टाग्राम का. बोलते थे, तूने वो देखा उसका पोस्ट? मैंने कहा, यार आप क्यों इतना झूठा? तो मैं ऑफिशियली नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास अकाउंट तो है सर. तो थोड़े दिन पहले मैं करीना के शो पे गया, तो उनसे मैंने एक वैसे सोशल मीडिया को लेकर बात चली थी. बोलती, हाँ जैसे रणबीर भी सोशल मीडिया पे है नहीं, लेकिन खबर सारी रखते हैं, तो खबरें इनके पास पूरी रहती हैं. लेकिन आपके दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स कभी कभी आपकी जो फोटो डालते हैं नीचे, कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं. बस ये आप तो सोशल मीडिया पे हैं, कुछ फोटोग्राफ्स मैंने आपकी निकाली हैं, आप देखिए जरा, बड़े मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं. अयान मुखर्जी ने ये फोटो डाला है, फ्लैशेज ऑफ टाइम, और ये ब्रह्मास्त्र के टाइम की है शायद, है ना? हैशटैग पढ़ नहीं पाए ना? हैशटैग पढ़ नहीं पा रहे. स्टेपिंग आउट आउट ऑफ ए कुकून. या सेम. कुकून क्या होता है? जो सम सर्टेन इंसेक्ट्स आर बोर्न एंड यू नो इन अ कोकून. ऐसे और मुश्किल बता दिया. तो पहले कोकून ठीक था. तो आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. इन तीनों की पार्टी खत्म हो गई, अब बैठकर हिसाब लगा रहे हैं किसको कितना देना है. आयान बोल रहे हैं, मैंने कैमरा वाले से बात कर ली, तुम्हारा प्री वेडिंग भी ये सस्ते में कर देगा. रणबीर ही आयान की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं. आलिया तो सोच रही है कि डिनर में क्या खाना है. और दिखाइए. लो जी, बस्सी साहब ने फोटो डाला, शादी ब्याह के ऑर्डर के लिए संपर्क करें. भाई कोई काम छोड़ना नहीं मतलब है. कभी भी बंद हो सकता है ना कुछ भी. दिखाइए नीचे कमेंट्स, दिखाइए. पेमेंट कैश में लेंगे या बोतल में है? ढोल बजाने के बहाने महिलाओं के बीच घुसा आदमी. भाई ये काम इतना आसान नहीं है. ढोल बजाना आदमी 2 महीने में सीख जाता है, लेकिन उड़ता नोट पकड़ने की प्रैक्टिस में सालों लग जाते हैं. ओए ओए, ये बड़ी बारीक ऑब्जर्वेशन है, उड़ता नोट पकड़ने की प्रैक्टिस. अर्निंग से ज्यादा जब EMI हो जाए तो बंदे को ऐसे ही मल्टीपल जॉब करनी पड़ती है. और दिखाइए. पेमेंट वाला बहुत प्यारा था. है? पेमेंट कैश मिलेगा कि बोतल. आयान मुखर्जी बिगिनिंग्स टेल अवीव, जगह का नाम है इजराइल में. आधा पेज और लिखते थे तो इसी पे फिल्म बन सकती थी. बड़ी खूबसूरत पिक्चर है. रणबीर है पीछे, आलिया आगे देख रही है. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. ये कब की फोटो है? ये सर 2017 31st December. ओके, वाओ. वर यू शूटिंग फॉर ब्रह्मास्त्र देन? हम प्रिपरेशन कर रहे थे. अच्छा. रणबीर वेट कर रहे हैं, आलिया का सीरियल खत्म हो फिर मैं फुटबॉल का मैच देखूं. और दिखाइए. करवा चौथ पे दोनों अपना अपना चांद देखते हुए. आए हाय. नेक्स्ट. ओहो, तक दिना दिन दिन दिना. वाह, इसी बात पे चल रहा है ना मेरा. लिटिल लिटिल देना जरा. अरे मैं क्यों लिखता हूँ ये सब? जिस दिन नहीं कोई कैप्शन आए, बस ही नहीं लिखते उस दिन, चुप रहते. क्यों, क्या क्या जरूरत थी? तो 6-7 साल लगे जानने में. मेरे को तो कल मैंने फोटो डाली 5, मेरे को कैप्शन सूझा, मैंने लिख दिया टोटल 5 फोटो. बात खत्म ना यार, नहीं आया तो नहीं आता. आइए नीचे कमेंट्स देखते. इनके एक्शन से लग रहा है ये हारमोनियम बजा रहे थे, कोई छीन के ले गया. हम भी एक आदमी ऐसे ही ढाबे के बाहर बैठाए रखते हैं ताकि कस्टमर बगल वाले ढाबे पे ना चला जाए. लगता है जिस बंदे ने फर्श बनाया है उसी ने इनकी पेंट बनाई है. ये बहुत अच्छा है. और दिखाइए. ओहो, आई बिलीव ही इज सुपर, आई बिलीव ही इज अ सुपर स्वीट बडी, सुपर फन वर्किंग हिम. ये आपके ट्रेनर हैं? नहीं, ये पाजी एक एक्टर थे ब्रह्मास्त्र में. ओके. उनका नाम सौरभ है. ओके. तो ये हम जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तो पता नहीं मैं उनके ऊपर क्यों चढ़ गया. याद भी नहीं है. देखते नीचे कमेंट्स क्या हैं. लगता है रणबीर ने नई गाड़ी ली है, BMW. कुछ लोगों को ऐसे ही जिम लाना पड़ता है. इनको 70 किलो का डंबल चाहिए था, नहीं मिला तो रणबीर को उठा लिया. और दिखाइए.
कैप्शन दिस, बस्सी ने फोटो डाला, ये दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये मैं एक्चुअली शूट भी यही कर रहा हूँ, मैं अपने ही कमेंट्स ही पढ़ रहा था, मेरे यूट्यूब पे क्या कमेंट्स आ रहे थे, ऐसा ये कोई सेक्शन में शूट कर रहा था अपने लिए। अच्छा। उसमें इतने कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स थे कि मैं बॉक्सिंग वाले वीडियो में मंजू आंटी बोल रहा हूँ, तो मंजू मेरी माँ का नाम है, वीडियो डिलीट कर। मैंने फिर वो कभी डाला नहीं। किसी ने लिखा है कृपया अपना कैप्शन स्वयं देखें, हमारे तो बिजली का बिल ज्यादा आया हुआ है, उसी की टेंशन चल रही है। और दिखाइए, बॉबी देओल अगर ड्राई फ्रूट छोड़ के तली हुई मूंगफली पे आ जाए तो ऐसे ही लगेंगे। ओह, ऐसे लोग 40 रुपए की कॉफी मंगवा के कैफे का 400 रुपए का वाईफाई यूज कर लेते हैं। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। और दिखाइए, अरे श्रद्धा ने कहा था जब मेरी फोटो आए मुझे बुला लेना। पाजी जी, ये लड़की इतनी झूठी है, इसने अर्चना जी अभी बोला था मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, जब हमने शो शुरू किया था। हाँ। 2 घंटे हो गए। हाँ। अभी आ रही है। भाई तू संभाल ले, मैं तो समझ निकल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप सीरियसली जा रहे हो? मैं बहुत सीरियसली जा रहा हूँ। ऐसे मत करो यार। पाजी पाजी हमें ऐसे मत करो, इसको भी लेके जाओ। नहीं नहीं, लव यू पाजी, थैंक यू फॉर कमिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों अब बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, प्लीज वेलकम श्रद्धा कपूर। श्रद्धा आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मैं वेट कर रही थी कि कब आऊंगी, 3 साल हो गए। फाइनली आप आ गई, बहुत बहुत मुबारक आपको, आपकी नई फिल्म आ रही है। ये आपकी तारीफ कर रहा था, अभी बोलता है श्रद्धा कितनी प्यारी लग रही है। क्या बोल रहा था ना बस, कह रहा कसाटा लग रही थी। पर ये प्रॉब्लम क्या है, आप आई रणबीर इधर से भाग गया। वो तो अच्छा हो गया भाग गया, क्यों इतनी मक्कारी झेली है मैंने उसकी सेट पे, और इन दोनों को मैंने झेला है। आपको झूठी बोल के गया अभी, आपने सुना है? आपको पता है वो इतना बड़ा मक्कार है? है? वो इतना मतलब इजी दिखाता है सेट पे कि हाँ मैं आता हूँ, मुझे मेरे लाइंस पता है, मैं डायलॉग अच्छे से बोलता हूँ, एक्टिंग अच्छे से कर लेता हूँ, और तैयारी में पूछती हूँ कि यार कितनी तैयारी की, कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं तैयारी नहीं की। फिर मेरे को पता चला कि लव रंजन ने उसको पहले सीन दे रखा था। अच्छा। मेरे पहले तो ये मकारी हुई ना। हाँ, मैं तो बोलता था मैं बैठता हूँ, मैं कहा नहीं नहीं निकल। हाँ। मैं तो इतना मकार आदमी नहीं थी। ये तो बोले तू भी निकल। अरे श्रद्धा कितनी प्यारी है ना। हाँ। इतनी खूबसूरत है, इनको तो मेकअप की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ। ठीक इसका उल्ट, बस ये आपको कितना किलो लगता था। नहीं क्योंकि स्टैंड अप करते वक्त तो कभी जरूरत पड़ी नहीं, पहली बार आपने फिल्म की है। पहली बार फिल्म की, पहली बार ही मैंने ये मेकअप वेकअप, मुझे तो पता भी नहीं था। 2 घंटे बैठाते हैं लोग पहले सुबह ले जाके। हाँ। 2 घंटे का तो मेरा शो ही होता है। एक तो ये और आर के भाई दोनों इतने डिसिप्लिन, 5 बजे उठ के आ जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, और ये रेडी होना शुरू हो गया। रेडी मतलब अब हो रहे हैं रेडी। हाँ। हमारा रेडी क्या, मुंह धुला, प्लीज वेलकम बस्सी, आ गए स्टेज पे खड़े हो गए, कर दिया। और क्या है ना, मैंने वेट लॉस भी करा इसके चक्कर में, क्योंकि थोड़ा स्क्रीन पे वैसा दिखना होता है। और हमारा क्या, अगर मैं, मेरे तो जोक खराब हो जाएंगे अगर मैं फिट होके चला गया तो। कैसे करूंगा, आलस की बात है। देख के लग नहीं रहा अगर मैं आलसी हूँ। और इनके यहाँ आके जब मैंने इनका देखा कि मेकअप चल रहा है, इनका तो खैर पता नहीं कितना, 4 घंटे भी बेचारे बैठे रहते हैं लोग तो। 4 घंटे मतलब ये जो बाल इनके करने पड़ते हैं ना, मुझे बिल्कुल आ जाती, मैं बैठा हुआ मेकअप लगाए जा रहे हैं, और जब मैंने आँख खोली मैं इतना बुरा लग रहा, क्योंकि मैंने पहली बार देखा अपने आप को ऐसा। पर कुल मिला के जो आंसर था वो, हाँ 2-2.5 किलो तो लगता था मेरा। श्रद्धा आपकी फोटो आई है सामने। ये मस्त फोटो है ना, क्या मूड है, कितनी खुश लग रही हूँ ना मैं। बहुत बहुत प्यारी लग रही हो आप। अच्छे जोक सुनाओ यार, शाम आई नहीं नींद पहले आ गई। आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं क्या लिखे हैं लोगों ने। आई लव यू, मुझे पता है ये भी आपके लिए जोक ही है, आई लव यू, हा हा हा। चाहे कितनी भी इंग्लिश सीख लो, अगर कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हट हट ही करना पड़ता है, एक्सक्यूज मी से वो नहीं भागता। क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। कुत्ते को आप थोड़ी ना बोल सकते हो एक्सक्यूज मी डोंट बाइट, थोड़ी ना मानेगा, हट हट ऐसे ही बोलना पड़ता है। तो बंदा ठीक है जिसने भी लिखा है, पर मैं उसको ये बात भी बता दूं, ऐसी लड़कियों के पीछे कुत्ते नहीं पड़ते, ऐसी लड़कियों के पीछे लड़के कुत्तों की तरह पड़ते। कमेंट्स देखते हैं। और What do you call a rose that wants to go to the moon? Gulab ja moon. मैं सच में करियर छोड़ दूंगा अगर इस पर हंसी है दोबारा ऐसे। मुझे पीजेस बहुत ज्यादा पता है मुझे। उसको किसी ने रिप्लाई किया है, तुम लोगों के ऐसे जोक्स के कारण ही 2022 जल्दी चला गया, वरना 3-4 महीने और रुकता। और दिखाइए। ओह वाओ,
It's tough, but we share. श्रद्धा सबसे पहले बताएं ये कार्यवाही कहाँ की जा रही है? ये साहो के टाइम पे था हैदराबाद में। अच्छा। तो प्रभास के घर से ये डब्बा आता था रोज। बाहुबली सच में इतना खाता है? एक्चुअली पता नहीं उनका तो डाइट चलता था मेरे ख्याल से, पर वो खिलाते थे हमें। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप खाना खाने बैठी है या खाना बेचने बैठी है? खाना तो बहुत अच्छा है, अगर इसमें रसगुल्ले भी होते तो मजा ही आ जाता। उसको किसने रिप्लाई किया, तू आदमी है कि जीजा? इतनी चीजें होने के बाद भी तूने कमी निकाली ली। ओए है, ये तो सही बात है। बहुत बहुत अच्छा लगा। और दिखाइए। इनको बॉयफ्रेंड ने मेन्यू दिया था, इन्होंने सारी चीजें ऑर्डर कर ली, उसके बाद से बॉयफ्रेंड गायब है। इनकी कोई भी कटोरी का साइज एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, लगता है सब अलग अलग घर से आई हैं। उन्होंने अभी बताया प्रभास के घर से आया। प्रभास घर में ही रहते हैं कि ढाबे में रहते हैं? इतना खाना किसके घर में बनता है यार, इतनी अलग अलग सब्जी, इतनी वैरायटी है ना। आइए और देखते हैं कमेंट्स। पजामा छाप, ये आप हमें कृपया बताने की जानकारी। मेरे जैसा वो लगा कैप्शन मुझे। हाँ। ये मेरे फेवरेट कपड़े है। अच्छा। हाँ। रिलैक्स आदमी रहता है एकदम, फुल टू रिलैक्स। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं क्या आए। हमारी क्लास की लड़कियां भी ऐसे ही बालों में तेल लगा के पूरे साल स्कूल आती थी, फिर फेयरवेल वाले दिन उनके अंदर की श्रद्धा कपूर नजर आती थी। जैसी गांठ आपने अपने टॉप पे लगाई है, वैसी ही मैंने अपने पैजामे पे लगाई थी। ट्रेन चढ़ते टाइम खुल गई, ट्रेन तो पकड़ ली, पैजामा छूट गया। पता नहीं लड़कियों को मिरर सेल्फी के लिए इतना साफ शीशा कहाँ से मिल जाता है। हाँ। लड़कों के टाइम तो दाग धब्बे पड़े रहते हैं। नहीं, मैंने भी साफ किया था पहले, सेल्फी लेने के पहले हमेशा करना पड़ता है। इतनी मेहनत करती हैं आप? हमेशा हमेशा। और आइए आगे देखते हैं। आप पजामा छाप, मैं सड़क छाप, आपकी इजाजत हो तो हम छपा छप शादी कर सकते हैं। किसी ने इसको रिप्लाई किया, किसी ने रिप्लाई किया, तुम उनके पापा को नहीं जानते, वो तुम्हारी माँ ललिता से शिकायत कर दे। कर जाती डिलीट। और दिखाइए, खत्म। आइए श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी देखती हूँ इस ड्रेस में मैं बैठ भी सकती हूँ कि नहीं। हो गया। हाँ। सी, यही होता है, इसलिए पजामा छाप बेस्ट। श्रद्धा जैसे ही आप आई, रणबीर भाग गए। फिल्म में वो आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, आप इसके बारे में क्या ज्ञान देना चाहेंगी कि जिंदगी में लड़के जो होते हैं ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लड़कियां? अभी तो सब कंफ्यूज रहते हैं ना, राइट ना? ये जो भाई साहब बैठे देख रहे हैं आप काली टी शर्ट में, हाँ, उनका हाथ वो हर बात में समर्थन देते हैं। रणबीर को भी समर्थन दे रहे थे, अभी आप आई हो आपको भी समर्थन दे रहे। अच्छा। आपकी कोई अपनी पार्टी नहीं है? ये कंफ्यूज चल रहे हैं ना, ये कंफ्यूज करने वाले लोग हैं ये। अर्चना जी की भी एक फ्रेंड है, वो बड़ी कंफ्यूज रहती थी, तो उसको बेचारी को हाउस हेल्प चाहिए थी, तो सोच रही थी वो कि मैं ड्राइवर रखूं, कुक रखूं या माली रखूं। कहती हस्बैंड रख ले, सारे काम कर देगा ये, ऐसी सलाह देती है उनको। वैसे बहुत अच्छा मशवरा है यार। ट्रेलर में आप सबने देखा होगा, श्रद्धा रणबीर को हाय बोलती हैं और वो समझ लेता है कि ये मेरे पे लाइन मार रही हैं। श्रद्धा आप इतनी प्यारी हैं, कभी ऐसा हुआ आपने किससे वैसे ही प्यार से बात की हो और वो लीचड़ पीछे ही पड़ गया हो आपके, उसको लगा होगा? मैं लीचड़ पे हाथ उठाया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, स्कूल में हुआ है, किसी ने ट्राई किया था, ठीक है, तो एक तो सबको पता था कि मेरे डैड कौन है। फिर स्कूल में भैया भी थे। अच्छा। तो एक बंदे ने ट्राई किया था, फिर भैया आ गए एकदम, उसके बाद किसी ने ट्राई नहीं किया। बस ये आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं मत... नहीं, जैसे आप लोगों को हंसाते रहते हो, हर बात में से ह्यूमर निकालना आपकी कला है, कभी आपने दिल से वैसे किसी लड़की को बोला हो, उसका लगाओ स्टैंड अप कर रहा है और वो कॉम्प्लीमेंट देके चली गई हो? वेरी नाइस। हाँ सर, ये लगा है मुझे मेरे करियर से पहले, हमेशा जब मैं नहीं कर रहा था उन्हें लग रहा था मजाक ही चल रहा है। अच्छा। जिस भी लड़की को सीरियसली कभी बोला है, तो ऐसी थोड़ी सब छोड़ के गई है। श्रद्धा को आप सबने देखा, एक विलेन जो फिल्म थी उसमें ये एक क्रिमिनल से प्यार कर बैठती हैं, हैदर में एक विद्रोही से प्यार हो जाता है, और इसमें इन्होंने एक मकार आदमी से प्यार किया है। आपका शुरू से क्लियर है कि चोर चक्कों से प्यार करना है, तो सीधा आदमी आपको नहीं चाहिए। अभी क्या करूं, क्राइम मास्टर गोगो की बेटी जो हूँ। वेरी नाइस। अरे श्रद्धा के बारे में हमने ना एक और रिसर्च की है भाई, बड़ी गौर से सुना। आप देखना, श्रद्धा ने शाहिद के साथ हैदर फिल्म की,
उसके अगले साल शाहिद की शादी हो गई, वरुण के साथ उन्होंने स्ट्रीट डांसर की, अगले साल उसकी शादी हो गई, ठीक है, राजकुमार के साथ उन्होंने स्त्री की, उसकी भी शादी हो गई, अभी रणवीर और इनकी जब शूटिंग चल रही थी, फिल्म रिलीज भी नहीं हुई, उसकी भी शादी हो गई। बस्सी तुम्हारे दिमाग में नहीं कभी आया कि मेरे साथ भी एक फिल्म कर लो, मेरा भी घर बस जाए? ये एक्चुअली जिससे भी फिल्म कर रही है ना उसकी शादी हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया था? वैसे नहीं किया मैंने ये। मुझे अगर आगे चल के ऐसा दिखाई दिया कि मेरी हो नहीं रही है तो मैं सबसे पहले आके बोल दूंगा मूवी कर लेते हैं, हो जाएगी मेरी भी, सबकी हो रही है। वेरी गुड। ऐसा बोलते हैं बच्चे साहब, बोलते हैं कि कोई आदमी कितना भी कैसा भी झूठ क्यों ना बोले, लड़कियों के पास एक सेंस होती है, वो झट से पकड़ लेती है। हमें बोलने की तमीज नहीं होती, उन्हें सिक्स सेंस नहीं चाहिए, हमारा मुंह ऐसा सा हो जाता है झूठ बोलने में। एक्चुअली यार पता नहीं क्यों, वाकई बस्सी ने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। एक्चुअली हमारा ना एक मसल यहाँ का खिंच जाता है, ऐसे हो जाता है। कैसे कैसे है ना, ऐसे यहाँ पे ना कुछ फड़फड़ाने लगती है, ये वाली गाल हाथ ऐसे अजीब से, जैसे आपका तो फेस बड़ा शार्प है ना, जिनके मुंह पे फैट होती है ना मेरे जैसे, तो ये वाला पोर्शन होता है ना, मेरे साथ फिल्म में भी ऐसा होता है, नॉर्मल रहता हूँ ऐसे ऐसे ना। हाँ हाँ, मेरे पापा का बहुत होता है, जब मैं उनसे कुछ पूछती हूँ आपने खाया कि नहीं। वैसे तो ऐसे भी होता है, जैसे अपने शो में मैं बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ, कोई फिल्म करने जाओ ना तो बड़ा सही नॉर्मल फेस है, जैसे डायरेक्टर बोलता है ना एक्शन, मेरा इधर वाला मसल खिंच जाता है यार। बस्सी ना अपने स्टैंड अप पे अपने दोस्तों के किस्से बड़े सुनाते हैं, बस्सी अब तो मुझे लगता है आपके दोस्त डरते होंगे आपके साथ कोई किस्सा शेयर करने में। कभी किसी ने बोला है भाई तेरा देखा है हमने ऐड आ रहा है, नया स्टैंड अप आने वाला है, हमारा किस्सा मत, कोई बोलते होंगे ऐसे आपको? बीच में ऐसा था कि मतलब वो मुझे बोलने लगे थे कि ये वाली बात तो नहीं करेगा तू, पर फिर उन्होंने मुझे याद दिलाना शुरू करा कि अरे वो वाली बात याद है, उस पे ऐसे करा था, वो कर लेते हैं। हाँ। फिर जब वो आ गई वीडियो तब उन्हें लगा कि गलत बता दिया ऐसे, इसने तो नाम ही ले दिया। तो फिर अब फिर बीच में मैंने एक और चीज करनी शुरू करी थी, उन्होंने पकड़ लिया मुझे एक दिन, कि जब सारे बैठ के पार्टी वार्टी कर रहे थे तो मैं वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके फोन रख देता था अपना, कि अब सुबह ही सुन लूंगा क्या बातें कर रही थी उन्होंने आपस में। फिर उन्हें पता चल गया तब वो पैसे मांगने लगे, तब मैं बस। एक कितना टाइम लगता है एक स्टैंड अप तैयार करने में? आपका स्टैंड अप करीब 1.5-2 घंटे का होता है ना? मैम मेरा प्रोसेस है, मुझे लगभग अब 8-9 महीने लगेंगे, अब 20 सीटर शोज कर करके रोज उसको जाके रिफाइन करके। तो जब जोक फ्लैट फॉल करता है तो हाउ डू यू यू नो मैनेज? आप इनके शो में भी घुसने की सोच रही हैं आप? कि जो तुम्हारे फ्लैट गिरेंगे मैं उस पर रिस्पॉन्स दूंगी, मुझे ले जाओ। अब आपको पता चला कितनी मेहनत लगती है, मेरी कदर किया करो आप। हाँ नहीं लेकिन मैम कोई फ्लैट हो जाता है तो आपको पता होता है कि अब ठीक है नहीं चल रहा, तो अब कर ले तो कवर कैसे ना कैसे करके। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि एक्टर जब प्रिपेयर करता है ना तो वो काफी सारा पब्लिकली नोन होता है, लेकिन एक स्टैंड अप आर्टिस्ट जब प्रिपेयर करता है, जैसे कपिल तुमने किया था जब अपना स्टैंड अप शो, पर नोबडी नोज कि उसमें कितनी मेहनत जाती है पीछे, कितने बार आपको वो ट्रायल रन करना पड़ता है। बहुत मेहनत जाती है, जो आप स्टैंड अप देखते हैं जैसे बच्ची साहब ने बताया कि एक साल लगता है, तो जैसे हमारा तो कोई ट्रायल नहीं होता, हम तो जैसे अर्चना ही बैठी हैं, हमने सुनाया जोक, अगर इन्होंने रिस्पांस दिया ठीक है, नहीं तो जज चेंज अपना अपना कोई मसला नहीं है। ये था बेस्ट पंच था। यार मेरे को यार दोस्तों किससे आपके स्टैंड अप से याद आ गया, जैसे मेरा दोस्त बैठा हुआ राजीव, ये डायरेक्टर है हमारे ना, यूनिवर्सिटी में एक बार नेशनल हुआ, अलग अलग स्टेट से लोग आते ना, तो उस दिन चेन्नई वालों का प्ले था। अच्छा। तो घुस वही सकता है जिसके पास पास हो, तो ये गया उतर जाके बोलता है अन्ने पोड़े, और अन्ने पोड़े इतना पंजाबी में बोला ना इसने वो जो चौकीदार था कहते चल लो चल लो इतनी वो वर्ड भी था भी कोई नहीं। आपने इनके ट्रेलर में देखा तू झूठी मैं मकार में कि कुछ लोग झूठ बोल के फंस जाते हैं, हमारे जो यहाँ पे दर्शक बैठे हैं मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आपने अपनी जिंदगी में कभी झूठ बोला हो? बोला क्या हो, बोला ही होगा आपने, कौन सा सीधे सीधे मंदिर से आ रहे हो आप? दोनों हाथ। आप तो भाई साहब आप तो उम्र है, भगवान आपकी इतनी लंबी उम्र करे तो दो बार यहीं पे, इतनी लंबी उम्र करे सारी दुनिया चली जाए अकेले घूमते रहो तुम, अब हर बात पे ये सहमत है, क्या बात है? कोई ऐसे मेरे दोस्त जिन्होंने अपनी जिंदगी में झूठ बोला हो, फंस गए हो या शायद काम भी बन गया हो? जी मोहतरमा। हेलो एवरीवन, हैप्पी होली टू ऑल। हैप्पी होली जी, होली होली। आज आप बड़े हैंडसम लग रहे कपिल सर जी। हाँ जी। आपका क्या नाम है? पृथ्वी। पृथ्वी बहुत शुक्रिया आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए, आई रियली लाइक द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सर।
जी आप क्या कहना चाहेंगी इस मुद्दे पे? सर मैंने तो अपने मैनेजर से झूठ बोला था छुट्टी के लिए। अच्छा जी। छुट्टी के लिए मैंने मैनेजर को बोला कि फ्रेंड का बर्थडे था फिर? तो मुझे छुट्टी चाहिए था। रात को मैंने फोन किया कि सर तबीयत बहुत खराब है, पेट में बहुत दर्द है, तो मैं कल नहीं आ पाऊंगी। तो सर ने बोला लेकिन आपने तो अपनी वीक की छुट्टी पहले ले ली थी, तो आपको नहीं मिल पाएगा, या तो आपकी सैलरी कटेगी। तो मैंने कहा भाई घूमने जाना है तो एक दिन की सैलरी कटेगी तो जाने दो। फिर नेक्स्ट डे जब हम मूवी के लिए गए तो देखा कि अरे बाजू से मैनेजर भी जा रहा है, तो ऐसे सर छुपा छुपा के ऐसे हम लोग जाने की कोशिश किए, जाके बैठ तो गए। फिर जब बाहर आए तो देखा कि मैनेजर को सर सर, तो फिर सर बोलते हैं आपकी तो तबीयत बिगड़ी हुई थी ना। उनको बोलना ना मैं तो ऑफिस गई थी, आप मिले नहीं, मैं आपको ढूंढते ढूंढते आई हूं। मैंने तो मन में सोचा अगर सर मैंने भी आपकी वाइफ को बता दिया तो आपकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी घर पे जाके। तो मैनेजर किसके साथ मैनेजमेंट कर रहा था वहां पे? किसी और के साथ। अच्छा वाह, शुक्रिया पृथ्वी शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी भाई साहब। हाय कपिल सर, हाउ आर यू? मैं इंग्लैंड से हूँ और मुझे आए हुए अभी एक वीक हुआ है। अच्छा जी। पूरे 10 साल से वहीं पे था मैं इंग्लैंड में। तो अच्छा जी, तो किसने आने दिया अभी? आई मीन मैं आया हूँ अपनी सिर्फ मम्मी के लिए, माँ के लिए। अच्छा जी, प्रणाम। तो झूठ मैंने भी बोला है लेकिन मैं पकड़ा नहीं गया, मैं शेफ हूँ वहाँ पर। अच्छा जी। तो एक रात पहले कोफ्ते बनाने थे, कोफ्ते नेक्स्ट डे मैं भूल गया। अच्छा। तो देखा सामने गुलाब जामुन पड़े, हाँ बस वही करी में डाल दी। आज तक पूछ रहे हैं भाई साहब वो भैया रेसिपी बताओ इसकी। वो पूछ रहे हैं ऐसे मुलायम कोफ्ते उन्होंने खाए नहीं होंगे, आज तक पूछते हैं कैसे क्या किया था। वाह यार, तो आप वैसे कहाँ के रहने वाले ब्रदर आप? मैं वैसे पानीपत से हूँ, हरियाणा से। अच्छा जी, इंग्लैंड में कहाँ रहते हैं आप? मैं वॉल्वरहैम्पटन। अच्छा, वो शास्त्री नगर से इधर। अच्छा, कई लोग ऐसा पूछ लेते हैं जर्मनी से, ओके जर्मनी में कहाँ, जैसे उनको सारी जर्मनी का पता है। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक्स। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। भाई तो एक करवट लेके सो गया था, बालों क्या हुआ? कोई इधर से कैंची फेर गया ना। हेलो कपिल सर, आई लाइक योर हेयर स्टाइल ब्रो। थैंक यू सर। ऐसे ऐसे करके दिखाओ, वेरी नाइस। सर ये आपने जो बाल तलवार से काटे हैं इधर। क्या नाम है ब्रदर आपका? वसीम सिद्दीकी। तो आपका क्या कहना है वसीम साहब? मैंने एक झूठ बोला था जिसमें सर मार खाते खाते बच गया था। क्या झूठ बोल दिया? तो सर मैं एक टाइम पे डबल डेट कर रहा था, तो मेरी गर्लफ्रेंड का मुझे कॉल आया नाइट को। इधर वाले बाल उसी ने नोचे लगते। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसी स्टोरी सुनने का, फिर क्या हुआ? तो मैं घर पे था सर, अराउंड 10-11 बजे के करीब मुझे फोन आया कि कहाँ हो, मेरा झगड़ा हो गया, जल्दी से थिएटर के पास आओ। आपकी गर्लफ्रेंड का झगड़ा हो गया? एक गर्लफ्रेंड का। अच्छा, गुंडी गर्लफ्रेंड थी आपकी। फिर मैं बाइक से वहां पहुंचा, जैसे पहुंचा देख रहा हूँ जो जिसको मैं डेट कर रहा था वो भी, और एक और गर्लफ्रेंड, वो उसकी बड़ी बहन, तीनों साथ में खड़े। अच्छा। मैं वहाँ पे मतलब आज पिटूंगा मैं। फिर मैं वहाँ पहुँचा तो पहले तो घबरा गया था बहुत, मैं बोला वहाँ जाके तो सुनना ही है, तीनों ही सुनाएंगे। तो उससे पहले थोड़ा ही खुद ही कॉन्फिडेंस लेके पहुँचा, मैं बोला हाँ क्या, मेरे को क्यों झूठ बोल के क्यों बोला, ना किस कैसे जानती है उसको तुम, तो तुम मुझ पे चढ़ रहे हो, तुम पहले बताओ कि ये कौन है, और इसको भी डबल डेट कर रहे हो, मुझे भी डेट कर रहे हो। वो दोनों मिलके, उसकी बहन थोड़ी हेल्दी थी, मैं बोला ये तो पटक के मारेगी, बोला यहाँ से निकल जाओ। फिर तो मैंने ऐसा बोला एक मिनट हाँ, तो मैंने फ़ोन निकाला, मतलब डैडी का कॉल आ रहा, और ऐसे कॉल पर बात करते करते साइड में गया, बाइक निकाल के मैं भाग गया। फिर उसके बाद कभी दोनों गई? उसके बाद जिससे मैं थोड़ा सीरियस था, मैं उसको कॉल किया, मतलब मेरी गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो। उसके बाद से सोचा कभी जिंदगी में डबल डेट नहीं करूं। अभी भी है वो आपकी गर्लफ्रेंड ना? हाँ अभी है। और ये तुमने लगा शो पे आके बता दो ये बात। हमारे पंजाबी में एक कहावत है, ज्यादा दावतों के चक्कर में ना आदमी भूखा रह जाता है। यहाँ से भी खा लूं, यहाँ से भी खा लूं। करेक्ट। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं सर, होने वाली है, डैडी बोल रहे कर लेने। क्या अच्छा, क्या हाल है जी? बड़े सिद्दीकी साहब, आपने भी तो लफड़े किए होंगे लाइफ में, कौन सा? अभी आप सफेद कपड़े पहन के बैठे हो, कभी ना कभी तो कपड़ों पे दाग आया होगा सिद्दीकी साहब। शुक्रिया ब्रदर शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू जी, थैंक यू। वैसे ये त्योहार का माहौल है, विश करना तो बनता है। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। होली है, हैप्पी होली। नहीं, इनका फिल्म आ रहा है, इनका दिवाली है। और देखिए दिवाली के हिसाब से श्रद्धा जी एकदम पटाखा भी लग रही है।
अरे बस्सी जी भी कोई रॉकेट से कम नहीं है, ऊपर ही ऊपर जाते जा रहे हैं। स्टैंड अप से फिल्म, लगता है ना हवा में ही कुछ ऐसा है अर्चना जी। क्या ये सारे स्टैंड अप वाले फिल्में कर रहे हैं आजकल? हमारी 25 को आ रहा है फिल्म। नहीं नहीं, बुआ का लड़का आ रहा है 25 को। लेकिन झूठी जी मक्कार जी को देख के अच्छा लग रहा है। अरे मैं नहीं हूँ मक्कार। ये मक्कार नहीं है, ये मक्कार के दोस्त है, वो रणबीर है। से कम नहीं है ये। क्यों? मैं पिछली बार जब यहाँ पे आए थे शर्मा जी, हम आपको बता रहे हैं कि हमको ऐसा घूर रहे थे, हमें लगा कि एकदम एंड में कम से कम ये पूछ के जाएंगे आपसे कि कौन थी ये लड़की, कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, फोन नंबर क्या, कुछ नहीं पूछा इन्होंने। अरे वो इसलिए घूर रहे थे, वो मेरे को पूछ के गए, कहते ये प्रोडक्ट क्या है। पूछा ना कम से कम। चलिए कोई नहीं, हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। देखिए बेसिकली हमारा कपड़ा धोने का काम है, हम यहाँ पे कपड़ा धोते हैं और यह हमारे लिए प्रॉपर सीजन टाइम है कि होली का टाइम है, बहुत सारा कपड़ा गंदा होगा तो हमारा धंधा होगा। हम तो कह रहे हैं श्रद्धा जी पार्टनरशिप कर लीजिए हमारे साथ। चलो वो क्यों करे तुम्हारे साथ पार्टनरशिप? हमको एक झूठी चाहिए, झूठी नहीं एक झूठी का जरूरत है। क्या है कि इतना सारा कपड़ा तो हम धो नहीं पाएंगे, फिर क्या है दो खूबसूरत लड़कियां जब कस्टमर को कहेंगी कि देखो ये साफ कपड़ा है ले लो, वो मान भी जाएगा। तो दूसरी खूबसूरत लड़की कौन है? श्रद्धा कपूर को आप खूबसूरत नहीं मानते? मैं तेरी बात कर रहा हूँ। हमारी बात हमसे मत कीजिए, हमारे मम्मी पापा से कीजिए। उनकी परमिशन के बिना हम आपके हो नहीं पाएंगे। आपके हो नहीं पाएंगे। एनीवेज हम खाली कह रहे थे कपड़ा धोते हैं, बड़ा मेहनत से धोते हैं। आप लोगों को कपड़ा धुलवाना होगा, प्लीज हमें दीजिएगा कपड़ा, हम धो देंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आदमी दूल्हा था बेचारा, उसने अपनी शेरवानी धुलने के लिए दी, मैंने देखा अगले दिन इसका भाई बाजार में पहन के घूम रहा था। तो क्यों घूम रहा था ये भी तो बताइए। क्या हमारे छत पे धूप नहीं आती है तो क्या है अपने भाई के शरीर पे हमको कपड़ा सुखाना पड़ता है? ओह माय गॉड। अच्छा छत पे धूप नहीं आती, भाई की बॉडी में धूप कहाँ से आती है फिर? अरे वो पहन के घूमता है ना मोहल्ले में, जो जो कपड़ा हमारे पास आता है उसके शरीर पे डाल देते हैं, वो मना भी नहीं करता, ब्लाउज पेटीकोट सब पहन के घूमता रहता है। अभी कल के दिन तो हमारे पास कोई कपड़ा धोने को आया ही नहीं, वो ऐसे ही घर पे बैठा रहा, कहीं गया ही नहीं वो। वैसे श्रद्धा जी बताना चाहते हैं, आपका ड्राइवर है बाहर, वो ठीक नहीं कर रहा है। क्या किया उसने? नहीं वो हमारा पास आया और हमारे गाल पे लाल रंग लगाया उसने। तो क्या हुआ होली का टाइम है, फिर क्या हुआ? नहीं तो हम कह रहे थे मांग में लगा दो, मना कर दिया उसने। मतलब ये भी कोई तरीका हुआ बदतमीज शरीफ कहीं का? बदतमीज शरीफ। पहली बार नशे में धूत आदमी ने मना किया हमको, हमको बहुत बुरा लगा। दीदी 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 देखिए आ गई एम्बुलेंस आई है। ये हमारी बहन है रानी। दीदी आपने ये तो बता दिया कि हम आपकी बहन है, लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि आप भी हमारी बहन है? कितनी इनोसेंट है, इसको पकड़ के ट्रक के नीचे दे दूं दिल करता है। दीदी ये तो वही ना जिनके पापा आंखें निकाल के गोटियां खेलते हैं। हाँ वही हाँ। दीदी ये तो वही है ना जो हंसाते हैं। हाँ कोशिश करते हैं। तो दीदी हंसा क्यों नहीं रहे हैं? अरे अपने शो में हंसाते हैं। तो दीदी ये भी तो अपना शो है, इनसे कहीं ना हंसाएं। तुझे खाली हंसना है ना? हम हंसा दें, हम एक चुटकुला आता है सुना दें चुटकुला, सब लोग को हंसी आ जाएगी, थोड़ा समझ आएगा, हम सुनाते हैं। ये देखे हाँ, ये तीन चीटियां हैं। क्या है? तीन चीटियां। ये चीटी कहती है ये देखो मेरे पीछे दो चीटियां हैं, ये चीटी कहती है ये देखो मेरे आगे दो चीटियां हैं, ये चीटी कहती है मेरे पीछे भी दो चीटियां हैं, मेरे आगे भी दो चीटियां हैं। ये चीटी ऐसा क्यों कहती है? क्यों कहती है? क्योंकि वो झूठी है।
दीदी बहुत मजा है ना, फनी था ना? नहीं दीदी, आपकी बेवकूफी पे हंस रही हूँ मैं. दीदी सुने ना, अगर बस्सी जी से हम कहें कि हमारे गाल पे रंग लगा दें तो हमें इन्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे? रंग लगाने का पैसा कौन देता है? बिरजू, उसने मेरे गाल पे 3 बार रंग लगाया और मुझे 300 रुपए दिए. बिरजू की ना हम टांग तोड़ देंगे. नहीं दीदी, उसकी कोई गलती नहीं है, मुझे भी अच्छा लग रहा था. प्रॉब्लम वो नहीं है, जिस काम के लिए तुझे 300 दिया हमें सिर्फ 150 क्यों दिया बिरजू ने? बिरजू को तो बाद में देखेंगे, होली खेलना है, तू होली होली खेलना मजा कर. दीदी होली कैसे खेलें? होली पुराने कपड़े पहन के खेलते हैं. हाँ. ये तो नए कपड़े पहन के आई है. श्रद्धा जी एक काम कीजिए, आप हमसे कपड़े एक्सचेंज कर लीजिए. अकल घुटनों में है क्या तेरी? कुछ भी क्या बोलती है, तेरा कपड़ा तो उनको फिटा जाएगा, लेकिन उनको देख कितनी फिट स्लिम ट्रिम है, उनका कपड़ा तुझे कैसे फिटाएगा? सोचा कर जरा. आप एक काम कीजिए, हमारे साथ कपड़ा एक्सचेंज कर लीजिए. हाँ दीदी, आपको तो फिट आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइट करवा लीजिए, कहीं लूज ना पड़ जाए. इसकी बातें मत सुनिए, ये एक नंबर की बेवकूफ है, साथ साथ में स्टूपिड भी. दीदी दोनों बातें सेम हैं. हाँ तो तू दोनों है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. दीदी रणबीर कपूर जी कहाँ हैं? हमने कितनी बातें उनके लिए सोची हुई थी. वो तो है, हम भी उनसे काफी बातें करना चाह रहे थे, बातें हम भी लाए थे, पर ठीक है. दीदी एक काम करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि ये रणबीर कपूर हैं. ओ. और जो रणबीर कपूर की बातें थी ना, वो इन पे डाल देते हैं. गुड आइडिया, हम इमेजिन कर रहे हैं कि आप रणबीर कपूर हैं. आप भी थोड़ा ऐसा मैनेज कर लीजिए, ठीक है? रणबीर कपूर, ओके. तो रणबीर कपूर जी, हमने फिल्म का ट्रेलर देखा, बड़ा मजा आया. वो जो बीच पे आप आते हैं, शर्ट भी नहीं पहने आप, आपके सिक्स पैक एब्स दिखाई दे रहा है, नहीं हो रहा इमेजिन इनको देख के. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.